शिवपुरी जिले की बेरार तहसील की टोरिया खालसा पंचायत का मजरा टोरिया पहाड़ी के निवासियों को सदैव घुटनों तक पानी में नदी से निकलकर गुजरना पड़ता है। बरसात में तो नदी का जलस्तर बढ़ने से तैर कर ही बेरार आ पाते हैं। टोरिया पहाड़ी के 600 से ऊपर बाशिंदों को अपने खेतों पर जाने, बेरार बाजार में सामान लेने या कृषि उपज विक्रय करने हेतु जाने में पार्वती नदी होने से करीब 5 किलोमीटर का फेर लगाकर दूसरे गांव से बेरार जाना पड़ता है। ग्रामीण राजबिहारी परिवार उदयवीर राजोरिया का कहना है कि बेरार से टोरिया पहाड़ी पहुंचने के लिए पार्वती नदी तक रोड बना हुआ है, लेकिन नदी पर पुल नहीं बनाया गया है। इसके लिए कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं। नदी पर पुल नहीं होने से एवं नदी में पानी होने से 12 महीने ग्रामीण परेशान रहते हैं। गांव में एम्बुलेंस एवं वाहन बाइक नदी में पानी होने के कारण नहीं जा पाते हैं। बारिश के मौसम में नदी में पानी अधिक होने से गांव के 2 बीमार व्यक्तियों को इलाज कराने नहीं ले जाने पर मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हमारे गांव में पार्वती नदी के लिए पुल मंजूर हुआ, लेकिन आज तक निर्माण नहीं हुआ है, जिस कारण ग्रामीण भारी परेशान है। तो क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हमारी जी है कि हमारा पुल नहीं बन रहा जी। हमारा हमारे पुल चाहिए यहाँ से, या रपटा कई बार मांग करिए, बस चुतिया बना देते हैं कि हाँ बनेगा। तो कब से खराब है ये रास्ता? 5 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं हो रही। 2-5 सियाने आदमी मर गए था, सुनते नहीं है। एलआई की वजह से नहीं, रास्ता नहीं है तो रास्ता खराब होने के चक्कर में तो 4 लोग खत्म भी हो चुके हैं। एलआई नहीं हो पा, टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे। बरसात में निकल नहीं पा रहे। निकल रहे हो जी, बैंक कर रहे हो जो बिल भरे से रोड आ रहा है, मंत्री है इसी पे, इसी हमारी टोरिया के लिए रोड बना है और जो पुल है उसका पैसा 12 लाख रुपया रोक रख के जो पुल के चक्कर में ना तो पुल बना रहे और ना उस पैसे का कोई पता पड़ रहा। और गांव में भी मतलब जेसीबी से जो रहा बना, जब काम चला तो चबूतरा मिटा दे, घर में वो भी आज मिटरे डाले हैं। हाँ पहले गुमराह कर दिया, मशीन चला दी, यहाँ बन रहा है। यहाँ कितने समय पहले काम चालू हुआ था? यहाँ पे 2 साल 2 साल पहले काम चालू हुआ, पर आज तक खत्म नहीं हुआ। रोड बनाना, रोड बनाना, कुछ बनाना। और पैसे का क्या कर रहे हैं वो लोग? पता नहीं है पैसे का क्या कर रहे हैं, मतलब तब से आए भी नहीं है काम। नहीं रोक रख के बस कहते हैं कि हाँ वो है पैसा, वो बस गिरेगा पुल जो हुआ गुमराह कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं 7 लाख रुपए डरी है तो वो मतलब। अरे हमारे चाचा जी खत्म हो गए बेरार ले जाने के कारण, बीमार हो गए, मतलब नहीं ले जा पाए। किस कारण नहीं ले जा पाए आपने? जो नदी के कारण जो पानी की रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता जाम है। कब से खराब है रास्ता? 5 साल था तो 5 साल हो गए खराब हो। तो इस समस्या के बारे में आपने सरपंच सचिव या ऊपर आला से अवगत कराया? गुमराह कर देते हैं, चूतिया बना रहे हैं। विधायक से भी कह ले सुरेश से, 3-4 बेर हम बागे मतलब गए भी, मतलब कोई सुनवाई नहीं है, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं, कई समस्या में डिलीवरी कह दिए हैं तो लोगों ने, अरे मैं ध्यान भूल जाता हूं, तुम मतलब मुझे ध्यान उठा दे। मेंट चल रहा है रास्ता खराब हो गया। अरे बहुत समस्या है रास्ता के कारण, मतलब अगर डिलीवरी हो जाती है, बच्चा होता है औरत को, तो कहीं रास्ता नहीं है, गाड़ी आने की जगह नहीं है, कहाँ से निकले? जननी एक्सप्रेस भी नहीं आ पाती है ना, मंडी को जा पाए क्या, ना कोई फसल बेच पाती है, कहीं रास्ता भी नहीं देखो तो मुझे पानी करना पड़ रहा नदी में। बरसात के टाइम क्या करते हो? बरसात के टाइम दूसरे गांव से आधे 15 किलोमीटर घूम के बिल भरा है, 5000 रुपया साधन वाला लेता है। यहाँ से पुलिपरा जाते हैं, पुलिपरा वापस बिल वाला पहुँचते हैं, बिल वाला टोरी आते हैं घूम के, कल 15 किलोमीटर पेड़ पड़ता है। अब 15 कोई भी बीमार हो गया तो जब हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो गाड़ी वाले हैं वो 3 गुना पैसा चार्ज करते हैं हमसे, 3 गुने जो गाड़ी वाले रिक्शा है टैक्सी वाले हैं तो किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं, करोड़ों का पैसा। तो इस समस्या के बारे में आपने किन किन को अवगत कराया है? 63 केड़ा सबको कराया, सरपंच को दिया, सेक्रेटरी को बताया, सरपंच को बुलाया और उसी के लिए बोला है, सुरेश राणा विधायक के लिए, मंत्री के यहाँ 2-4 बेर घूमे आए हुए हैं। तो मंत्री क्या कहते हैं? मंत्री जी बोलता है कहाँ खरबा रहे हैं, हो रहा है काम चला है, और वोटो नदी जाके मंत्री कहता है यहाँ पर, मैंने 2 बार यहाँ से जिताया, वोट दिए उनके लिए, फिर भी यहाँ कोई समस्या नहीं है उनकी, ना सुनवाई कुछ कहीं से कहीं तक।